अभी हम लोग सी पाथवे देख रहे हैं, उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें जो जो इंपोर्ट प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं उसमें एक नया मेंबर है, दैट इज कॉल्ड टॉम 70। ये टॉम 70 है और ये एज यूजुअल टॉम 22 है। ये रिसेप्टर है तो हम टॉम 22 को भी यहाँ पर एक साथ लेकर आ जाते हैं ताकि हमारा जगह बचे। तो टॉम 70 22 और जनरल पोर प्रोटीन तो हम तो जान ही रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टॉम 40 जनरल पोर। और ठीक इनर मेम्ब्रेन में भी इसी तरह के आपको मिलेंगे। इसको मैं कलर कर देता हूं। इसे हम लोग कह रहे हैं टीम 22 और इसे कह रहे हैं टीम 54। सो जो पाथवे ए और पाथवे बी था उसे थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर दिखता है। अब प्रोटीन की बारी हुई, दिस इज रेड कलर प्रोटीन। देखो प्रोटीन हम यहां से खींचते हैं। ओके ओके, इसका सी टर्मिनल, ये इसका एन टर्मिनल और दो दो चार दो छह, एक दो तीन चार पांच छ। इसमें छ जो है वो इंटर टारगेटिंग सीक्वेंस है, इंटर टारगेटिंग सीक्वेंस। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि मेम्ब्रेन में ये छह बार फोल्ड में आ जाएंगे। जब ये एंड प्रोडक्ट आएगा ना, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो छह बार ये दिख रहा है आपको, सिक्स स्पैन कहते हैं इसको, सिक्स स्पैन ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपी एडीपी एंटीपॉटर। ये छह बार ऐसे करके आएगा, इसलिए यहां पर छह ऐसे सीक्वेंस बने रहते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये भी आपके मन आएगा कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, और एज यूजुअल जो एमटीएस है वो तो रहेगा ही यहां पर। अब पिक्चर की बात यही है कि ये चला अंदर और अब मैं तीर का निशान दिखा दे रहा हूं। अब मैं इसको बार बार ऐसे अंदर, तीर का निशान यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया और फिर इस तरीके से अपना मॉडिफाई होकर ये जुड़ गया। बस यूनिक पॉइंट क्या था, एमटीएस जो था वो कटकर बाहर निकल गया। हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एमटीएस कटकर बाहर निकलता है पेरोक्सीडेज की मदद, सॉरी प्रोटीएज की मदद से। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पर जिसको हमें हमेशा समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो टीम 54 टीम 22 है, कई बार हमें यहाँ पर एक और देखने को मिलता है, उसके बारे में बता देते हैं। कहीं मान लो सवाल कहीं पूछा तो मन में, दैट इज कॉल्ड टीम 18। सो ये एक सीक्वेंस अगर हमें बोलना हो तो हम इसे बोलते हैं टीम 22 18 54, ठीक है। तो ये ऐसे पाथ सी जो है वह काम करता है और इस प्रकार से मेम्ब्रेन में एटीपी एडीपी एंटीपोटर जो है वो प्लेस्ड होता है। तीनों पाथवे जो अभी आपने पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी, ये तीनों पाथवे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स को या उसके सब यूनिट्स को प्लेस करता है प्रॉपरली लाकर। ये ऐसे दो प्रोटीन्स होते हैं जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में होते हैं,
उसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। हाँ, एक ग्रीन कलर से मैंने दिया है। इन्हें कहा जाता है टीम 9 और 10। ये टीम 9 और 10 जो है, ये जो है ये इनर मेम्ब्रेनल स्पेसिस मतलब फाउंड इन इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस एक्ट एज चेपरॉन। चेपरॉन क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन फोल्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन्स कहते हैं। तो आप बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन क्यों सर? सो प्रोटीन फोल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एचएसपी होता है ठीक उसी प्रकार से। इसके बोले बिना, टीम 9 और 10 के बोले बिना ये मामला अधूरा रहेगा। तो पाथ सी में जो हमें यूनिक चीज देखने को मिला वो मिला टॉम 70, 22, टॉम 40 क्योंकि जनरल पोर है, ये आउटर मेम्ब्रेन में मिला। और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जो हमें मिला वो मिला टीम 9 और टीम 10, करेक्ट। और टीम 22, टीम 54, 18 ये हमें मिला इनर मेम्ब्रेन। तो इन सब के बारे में दिमाग में बिठा के रखना है। ये टीम टॉम आता रहता है, टीम टॉम पैप पॉप ऐसे करके टर्म्स बड़े कॉमन टर्म्स होते हैं, फनी टर्म्स होते हैं, जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए।